कि आज हमारे ऊपर फायरिंग कर दी गई, आज हमारे ऊपर गोली चला दी गई। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के TNB कॉलेज रोड में देर शाम समाज सेवी ईशान सिन्हा उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि ईशान सिन्हा बूढ़ानाथ से ततारपुर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की। ईशान सिन्हा का कहना है कि किसने गोली चलाई उसने नहीं देखा, बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर दो गोली दागा है। ये आज हमारे ऊपर फायरिंग कर दी गई, आज हमारे ऊपर गोली चला दी। आप इसके पहले थाना गए थे उस मामले को लेकर? इसके पहले भी हम मामला गए हैं, FIR मैंने किया है, 28 दिसंबर को मैंने FIR किया है आदमपुर थाना में, और मैंने कई बार थाना प्रभारी से भी बात किया कि इस पर क्या हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जब थाना आपका जो कहां पर आपके साथ पहले पिस्टल सटाया गया था? हमारे साथ जो घटना हुई थी पहले कोलाघाट, ये आपका छोटी खंजरपुर वाला SM कॉलेज वाले रोड के आसपास में हुआ। उसी के आलोक में आप जो सर उसी के आलोक में हमने आदमपुर थाना में दूसरी बार आपके साथ कहां घटना? दूसरी बार आज हुआ है, लगभग 6:03 या 6:04 के आसपास हुआ है, और आज हम पर फायरिंग की गई है। वहीं एक सप्ताह पूर्व भी ईशान सिन्हा ने गोली मारने की धमकी को लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस के द्वारा अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसने ईशान सिन्हा के ऊपर गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही CT SP शुभम आर और SP CT स्वर्ण प्रभात विश्वविद्यालय थाना पहुँच कर मामले की जाँच में जुट गए। SSP CT ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। है उसकी तहकीकात कर रहे हैं हम लोग, और एक FIR रजिस्टर किया गया है, कारण अनुसंधान अंतर्गत है, कुछ आगे पता चलने पे आपको बताया जाएगा। क्या लगता है इस मामले में क्या हुआ? अभी तहकीकात हो रही है, अभी हम लोग जस्ट आए हैं PO पे। पहले भी इन्होंने जो है घटना की सूचना दी थी, पहले भी इनके साथ घटना घटित हुई है जिसको की जोक्सर रोटी में लिखित दिया गया था। उसकी भी जांच कर रहे हैं, उससे भी हम लोग देख रहे हैं कि उससे उस मामले से अगर कोई कनेक्शन है तो उससे भी लिंक करके देखा जाएगा। कुछ बरामदगी भी हुई है, खोखा या फिर कोई गोली? अभी कुछ बरामदगी नहीं हुई है।